नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आपको याद होगा आज से एक माह पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि सभी विभागों को अलग अलग करके कि किस विभाग में कितनी मानदेय की वृद्धि होने वाली है। उस समय कुछ लोगों के द्वारा मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे गए थे, किंतु आज सरकार के एक पत्र के द्वारा सीधे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमने जो अनुमान लगाया था वह 100% सही निकला। चूँकि पंचायती राज विभाग के द्वारा वित्त विभाग को दिए भेजे गए पत्र की प्रति आज हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं और उसी के संबंध में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो विषय होगा उसमें जो है कि न्याय मित्र सचिवों के मानदेय में वृद्धि की गई है और उसका पत्र वित्त विभाग को अनुशंसा करके भेजा गया है। तो पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि होनी है उसका भी अनुशंसा किया गया है, क्योंकि सभी कार्यपालक सहायक भी पंचायती राज विभाग के तहत ही कार्य करते हैं, इसलिए कार्यपालक सहायकों के बारे में भी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिवों के साथ साथ अनुशंसा भेजी गई है। और इसके साथ ही बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है जिसको लेकर पंचायती राज विभाग ने वित्त विभाग से राशि की मांग किए गए हैं, उसके संबंध में हम विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें बताएंगे किस विभाग में कितनी नियुक्ति होनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यह जो पत्र है, प्रेषक विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में सचिव षष्ठम राज्य वित्त आयोग पटना, विषय वित्तीय वर्ष 2021 से 24-25 तक की अवधि में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली संभावित प्रत्याशित राशि एवं इस राशि के व्यय से संबंधित प्रतिवेदन। यानी कि 2021 से लेकर 24-25 तक जो पंचायती राज विभाग अपना एक तरह से कहिए तो डिमांड बनाकर वित्त आयोग से राशि का मांग कर रहा है, उसमें पंचायती राज विभाग ने यह प्रतिवेदन दिया है। इस पत्र की प्रति लिंक में उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध है जहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 8/1/2021 को माननीय अध्यक्ष षष्ठम राज वित्त आयोग के साथ VC के माध्यम से आयोजित बैठक में हुए विमर्श के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021 से 24-25 तक की अवधि में षष्ठम वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली संभावित प्रत्याशित राशि इस राशि के व्यय से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है। यानी कि जो है कि 2021 से लेकर 24-25 तक पंचायती राज विभाग का जो व्यय का डिमांड है वह वित्त आयोग को भेजते हुए विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री विनीता का यह पत्र है। इसके साथ बहुत सारे जो है कि बातें कही गई हैं जिसमें षष्ठम राज वित्त आयोग के माध्यम से संबंधित विभागीय प्रस्ताव में सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि की भी बात है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की भी बात इसमें और डिमांड भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण, देखिए हम संविदा कर्मियों पर आ रहे हैं, हम तुरंत पहुंचेंगे जहां ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के मानदेय को निर्धारित करते हुए भेजी गई है डिमांड, उसकी बात करेंगे। किंतु पत्र में यह सब बातें हैं जिसका चर्चा करना उचित है, इसलिए कह रहे हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट का निष्टान के लिए भी इसमें किया गया है, पंचायत सरकार भवन का है, पंचायत सरकार भवन में सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था इसके लिए 1263 करोड़ राशि की मांग की गई है। ग्राम पंचायतों में मानव बल की व्यवस्था इसके लिए भी मांग की गई है। तकनीकी सहायकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक तकनीकी सहायक की बात कही गई है, लेखापाल IT सहायक। अब आता है ग्राम कचहरी का IT इन्वेंटलमेंट, यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एवं ग्राम कचहरी कार्यालय में IT सुविधाओं के विकास के दृष्टिकोण से एक एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही पंचायत स्तर पर इन्फॉर्मेशन कियोस्क एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रस्तावित है।
जिसमें कुल 518 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित है। इसका व्यय भार सष्टम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान की राशि से वहन किए जाने का प्रस्ताव है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर वगैरह का जो व्यवस्था है ग्राम कचहरी में किया जाना है, जिसका भी प्रस्ताव सष्टम राज्य वित्त आयोग से को भेज कर मांग किया गया। अभी हम संविदा कर्मियों पर पहुँच रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र के मानदेय तथा कचहरी का प्रबंधन, इसके लिए भी राशि की मांग की गई है 2021 से लेकर 24-25 तक के लिए। ग्राम कचहरी में न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी में मानदेय के आधार पर सचिव एवं न्याय मित्र नियोजित है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को कार्यालय सहायता हेतु 50,000 प्रति वर्ष आवंटित की जाती है। ग्राम कचहरी को आगामी वर्षों में भी इस राशि की आवश्यकता होगी, जिसमें कुल 1224 करोड़ की राशि व्यय होना अनुमानित है। इसका व्यय भार सष्टम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान की राशि से वहन किए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि ग्राम कचहरियों में जो न्याय मित्र और सचिव जो कि नियोजित हैं और 50,000 रुपये जो प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं, उसके लिए पूरे 5 वर्षों के लिए 1224 करोड़ रुपये की मांग सष्टम वित्त आयोग से की गई है। आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद की है, जिला पंचायत राज अधिकारी है, पंचायती राज है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ों का मांग जो है कि सरकार यहाँ कर रही है। यहाँ आपको हम बताते चले कि ये जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र और सचिवों की जो बात कही गई है, इसमें जो है हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, सोलर लाइट, गली नाली, पंचायत सरकार भवन का निर्माण, प्रखंड कार्यालय आदि बहुत सारे जो है कि डिमांड, GPF ऑफिस कार्यपालक सहायकों के लिए मांग किया गया है राशि का। अभी आपको लिए चलते हैं, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे पत्रों को मैं स्किप कर दे रहा हूँ और स्किप करके सीधे आपको लिए चलता हूँ मेन मुद्दा पर, जिसका लाभ जो है कि संविदा कर्मियों को मिलना है। तो वहाँ हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि पत्र लंबा चौड़ा है इसलिए थोड़ा सा। तो पहला वाला पत्र जो था जनवरी में विनीता के द्वारा, जो सुश्री विनीता जो विशेष कार्यपदाधिकारी हैं उनके द्वारा वित्त आयोग को भेजते हुए डिमांड की गई थी। और दूसरा पत्र है 2/3/2021 यानी कि मार्च में सुश्री विनीता विशेष कार्यपदाधिकारी के द्वारा सष्टम वित्त आयोग पटना को यह पत्र प्रेषित किया गया है। उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि 2026 से वांछित सूचना पर पत्र सी में इस पत्र के साथ संलग्न है। इन सूचनाओं से संबंधित कुछ बिंदुओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है। यानी कि जो पत्र भेजा गया था उसके संबंध में फिर से व्याख्या करते हुए एक पत्र भेजा गया। पंचायत सरकार भवन का निर्माण चरणबद्ध रूप से हो रहा है, इसलिए 2 कर्मियों की मानदेय की राशि पर पत्र सी में इसी के अनुरूप दर्शाया गया है। ये जो है कि है अपना जो है कि 2 को कर्मी नियुक्त करने हैं। मानदेय राशि की वृद्धि का कारण, अब आया मेन मुद्दा जो है संविदा कर्मियों का, उसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। सुश्री विनीता का यह पत्र है 2/3/2021 को सष्टम राज्य वित्त आयोग को लिखा गया है, जिसमें मानदेय राशि में वृद्धि का कारण नियत मानदेय की राशि समय समय पर संशोधित की जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु वर्ष 2018 में कार्यपालक सहायकों का नियोजन हुआ था, उस समय इनका नियत मानदेय 12,000 प्रति माह था। वर्तमान समय में मानदेय की राशि बढ़कर 16,843 हो गई है। इसके अलावा कार्यपालक सहायकों की सेवा वर्ष आधार पर मानदेय की राशि में वृद्धि होती है। यह जो है कि कार्यपालक सहायकों की बात कही गई है। साथ ही वर्तमान में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र का मानदेय क्रमशः 6,000 प्रति माह एवं 7,000 प्रति माह है। मानदेय वृद्धि किए जाने की मांग हो रही है। अगर आने वाले वर्षों में मानदेय की दर संभावित है, अतः वित्तीय वर्ष 21-22 से कचहरी सचिव हेतु 10,000 प्रति माह एवं न्याय मित्र हेतु 11,000 प्रति माह की दर से प्रपत्र सी में गणना की गई है। यानी कि वित्तीय वर्ष 21-22 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर और जो है कि आने वाले जो वर्ष हैं 24-25 कहिए, 26 कहिए,
उन वर्षों में जो है कि प्रपत्र सी बनाकर डिमांड के रूप में न्याय मित्र सचिव के साथ साथ कार्यपालक सहायकों का भी डिमांड पत्र जो है कि पंचायती राज विभाग को भेज दिया गया था, सष्टम राज वित्त आयोग को पंचायती राज विभाग के द्वारा भेजा गया था। प्रपत्र सी में प्रति वर्ष औसत राशि की वृद्धि अंकित की गई है, राशि करोड़ में अंकित है, इसलिए गणना राशि को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है, यानी कि जो है कि प्रति वर्ष इन लोगों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की बात कही जा रही। चूँकि यहाँ हम आपको बताते चले कि जो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण होता है प्रति वर्ष होता है और उसमें बढ़ोतरी की जाती है, तो न्यूनतम मजदूरी के दर को भी अगर सरकार औसतन मान लेती है तो उस परिस्थिति में भी सरकार को प्रति वर्ष इन संविदा कर्मियों के मानदेय में औसतन वृद्धि करना अनिवार्य हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग की जो पदाधिकारी हैं सुश्री विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी महोदया के द्वारा जो है कि सष्टम वित्त आयोग को प्रपत्र सी भेजा गया है। तो आगे बढ़ते हैं स्किप करते हुए, इसमें जो है कि इसके बाद एसपी डीआरपीसी बहुत सारे चीज़ हैं, इसको स्किप करते हैं और आपको लिए चलते हैं इनेक्चर में एक्सपेंडेंचर प्रोजेक्शन 2026 ऑल पीआरआई। तो इसमें जो है कि सिक्योरिटी गार्ड की इस सारी बातें आपको बताएंगे। पहले जो है कि यह जो मानदेय वाला फंडा है इसको ठीक करते हैं। तो इसमें जीके सेक्रेटरी यानी कि ग्राम कचहरी सचिव 6000 मंथ एंड न्याय मित्रा 7000 मंथ। तो इसके लिए जो है कि पत्र को हम डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जहां से आप देखेंगे तो भली भांति अवगत हो जाएंगे 1187.64 करोड़ की जो 2026 तक के लिए मांग की गई है इस पर पत्र सी जो भेजा गया है। इसके संबंध में अभी जो विशेष सूत्रों से पता चला है, बताया गया है कि चूंकि विकास आयुक्त जो हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित है और कमेटी को अनुशंसा करना है कि किन कर्मियों का मानदेय किस औसत में निर्धारित होना है जो कि न्यूनतम मजदूरी से अधिक और समानांतर कर्मियों के अनुपात में होना अनिवार्य है, उसी को देखते हुए यह जो पत्र है पुनः विभागों को वापस किया गया है कि इसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर पुनः इसको भेजा जाए। चूँकि इसमें उलट फेर होना तय है, विकास आयुक्त के महोदय के द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने की संभावना है कि यह जो निर्धारित दर है इस जो 10,000 रुपये प्रति माह न्याय मित्रों को और ग्राम कचहरी सचिवों को और 11,000 न्याय मित्रों को देने की बात कही जा रही है, इसमें भी विकास आयुक्त स्तर से वृद्धि होना तय है। चूँकि विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही इसको लागू किया जाना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताते चले कि 1 अप्रैल 2021 से हमने जो एक माह पहले अपना पिछला वीडियो बनाया था और डाला था, उसमें भी हमने यह बात कही थी कि जो भी दर लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से ही जोड़कर सरकार देगी। इस पत्र में भी तत्काल तौर पर उस बात का पुष्टि किया गया है जो हमने कहा था। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करती है, चूँकि इसमें विकास आयुक्त महोदय का अनुमोदन होना अनिवार्य है। यहाँ तीन तरह के पंचायती राज विभाग के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव सष्टम राज वित्त आयोग को भेजा गया है, जिनमें कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। तो यह जो है खबर आपको हम बता दिए। इस पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हमारी बात होगी कि बिहार में जो है कि सुनहरा मौका है बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए नौकरियों की बौछार होने वाली है, तो वह कैसे होगी यह भी आपको हम बताते चले। चूँकि जिन लोगों को कंप्यूटर चलाने का बेसिक नॉलेज होगा और जो लोग कंप्यूटर चलाने में सक्षम होंगे, डिग्रीधारी होंगे, उन लोगों को जो है कि पंचायतों में ही अब काम मिल जाएगा। ग्राम कचहरियों से लेकर पंचायत सरकार भवनों तक में भी आईटी सहायकों की नियुक्ति होनी है। और साथ ही वैसे लोग जो रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों को भी पंचायत सरकार भवनों के निगरानी हेतु 2 रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की जानी है। साथ ही ग्राम पंचायतों में मानव बल की व्यवस्था की जानी है।
इन सभी पदों पर नियुक्ति होने हेतु प्रस्ताव जो है कि सरकार के द्वारा सष्टम राज्य वित्त आयोग को भेजकर राशि की मांग कर ली गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब टाल मटोल करने के नियत में नहीं है, बल्कि इन लोगों की बहाली करेगी, इसीलिए राशि का मांग किया गया है। अब आपको बताते चले कि इन लोगों का मानदेय भी निर्धारित है, जो कि प्रपत्र सी में 17,000 रुपये से 20,000 रुपये तक इन सभी लोगों के मानदेय की बात कहकर राशि का मांग किया गया है, इसलिए अच्छा खासा मानदेय है। हम लोग तो ग्राम कचहरी सचिवों और न्याय मित्रों को भी और कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि की भी बात कर रहे हैं कि भाई जो आप नई नियुक्ति करने जा रहे हैं, इसमें आप 17,000 से लेकर 20,000 रुपये तक मानदेय देने की बात कर रहे हैं, और जो लोग 14 साल 15 साल 4 साल से वार्ड सचिव लोग कार्यरत हैं, उन लोगों को आप कुछ देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो वार्ड सचिव साथियों से अनुरोध है कि वे लोग ध्यान दें और साथ ही जो नई नियुक्ति होने वाली है उसमें भी भाग लेने का प्रयास करें। तो यह जो पत्र है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। दो तीन चीज़ें जो है कि इस न्यूज के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा जो पहला वीडियो था, एक माह पहले हमने जो अंदाज़ा बताया था, जो आकलन किया था, वह आकलन सत्य साबित हुआ है सरकार के इस पत्र के द्वारा। और साथ ही जो है कि हम जो कह रहे थे उस बातों की पुष्टि हुई है। तो ज्यों ही कोई नया खबर निकल कर आएगा, फिर से हम आपसे मिलेंगे और आपको सारी बातें बताएंगे। इसी तरह के खबरों को जानते रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपने अभियान को, जो कि संविदा कर्मियों को न्याय दिलाने का अभियान है, गरीब गुरबा दबे कुचले को उनका अधिकार दिलाने का अभियान है, उस अभियान में शामिल होकर आप लोगों के सहयोग से आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाने में कामयाब हो सके और आपका हक आपको दिलवा सके। जय हिंद, जय भारत, जय